कैंप क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ने से एक युवक और नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। जिले के स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम ने प्रभावित क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव करने के साथ लोगों को शुद्ध पेयजल का उपयोग करने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। कई प्रभावितों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। कैंप क्षेत्र के वार्ड 31 और 32 में डायरिया का प्रकोप बढ़ने से एक युवक और एक नाबालिग की मौत बीती रात हो गई। डायरिया से प्रभावित अनेक लोग लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सहित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। दूषित पेयजल का उपयोग करने और गंदगी की वजह से क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप फैला। यहां नालियों के बीच से पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन बिछाई गई है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता से ऐसी स्थिति निर्मित हुई। बुधवार रात को जिले के सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन ने अस्पतालों में पहुंचकर डायरिया प्रभावितों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछा और डॉक्टरों से समुचित इलाज को लेकर चर्चा की। वहीं नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था को देखा। नालियों के बीच से गुजरती पाइपलाइन की दशा भी देखी। गुरुवार सुबह पुनः प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल जब जानकारी मिली कि नगर निगम में कुछ 2-3 वार्डों में गंदे पानी से लेकर उल्टी दस्त की शिकायत आई, तो पूरा निगम का अमला, मैं स्वयं खुद, हमारे स्वास्थ्य प्रभारी, नगर निगम का पूरा सफाई का अमला, नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर महोदय भी, जिला प्रशासन की तरफ से सभी डॉक्टर भी थे और हम लोगों ने दौरा किया और जहाँ जहाँ शिकायतें थी वहाँ से पानी का सैंपल भी लिया है, जिसकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। और कल कुछ कैजुअल्टी भी हुई हैं, जिसको लेके संवेदना ही हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके बाद स्थिति नियंत्रित है और हमने पूरा कल जब से जानकारी मिली पूरा अमला लगातार देर रात तक और आज सुबह से भी पूरे जहाँ जहाँ भी शिकायत मिली थी पूरा सक्रिय है और अभी स्थिति में काफ़ी सुधार है। आज रिपोर्ट आने के बाद जहाँ जहाँ पानी की शिकायत आई थी उस पर भी संज्ञान में लेते हुए जो आगे की कार्रवाई होगी। महापौर जी, कुछ लोगों से हमारी चर्चा, हमने वो कुछ स्थल को भी देखा वहाँ पे, तो नालियों के बीच से पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन गुजारी, इससे भी लोगों में आक्रोश है। देखिए, क्या होता है कि पाइपलाइन जब बिछाई जाती है तो उसके जो कनेक्शन है वो निर्धारित रहते हैं, लेकिन मोहल्लों के अंदर कहीं पे भी पाइपलाइन को पंचर करके लोग अपने घरों के पास जोड़ के पाइप कनेक्शन डाल देते हैं, जिसके कारण जो पानी है, नालियों का पानी भी मिक्स होकर चला जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। इसीलिए पानी का सैंपल आज लिया है कि जहाँ जहाँ से भी ऐसा लीकेज होगा इसको बंद करेंगे और इसको सुधारेंगे। जो पीड़ित अभी भर्ती है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में, उनके समुचित उपचार के लिए किसी तरह का डॉक्टर? बिल्कुल, कल रात में सभी अस्पतालों में, जितने भी सरकारी में तो पूरा अमला सक्रिय है ही है, उसके अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल नगर निगम के हैं उसमें सभी अस्पतालों में 20-20 बेड हमने कल रिजर्व कर दिए थे। डॉक्टरों की एक टीम जिस वार्ड में समस्या हुई है वहाँ पूरी रात कल उन्होंने जांच की है। हर घर में अपील की गई है कि पानी उबाल कर पिए, हर घर में टैबलेट का वितरण किया है, क्लोरीन के टैबलेट, जिंक के टैबलेट हमने बांटे और लोगों से अपील की है कि पानी को गर्म करके उसमें एक बाल्टी, एक गंज में एक टैबलेट डाल के पिए, ताकि इस समस्या से छुटकारा मिले। पीड़ितों से मुलाकात कर इलाज को लेकर CMHO डॉक्टर JP मेश्राम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भाई देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ पे जो वार्ड हैं उसमें हमें डायरिया की जैसी शिकायत मिली तो हम कैंप में तुरंत हमने सर्वे करवाया और वहाँ के जितने पेशेंट थे उन लोग को विभिन्न अस्पतालों में जाके भर्ती हुए हैं। तो अभी हमारे पास करीब करीब 42 व्यक्ति भर्ती हैं और 42 जो है उनका हम ट्रीटमेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं और वार्डों में भी हमने पूरा अपनी टीम लगा के रखी है। हमारे वहाँ पे पूरी टीम तैयार है, हमने सभी घरों का सर्वे करवाया है और ये सर्वे 7 दिन तक चलेगा।
और यहाँ पे अब अगर कोई केस मिलते हैं तो हम उनको तुरंत ट्रीटमेंट करवा के हम उनकी दवाइयाँ करेंगे देंगे। अभी वर्तमान में हमारे पास जितने भी हमारे अस्पताल हैं उनमें सभी दवाइयाँ हैं, हमारी पूरी मेडिकल की टीम लगी हुई है, हमने जिला अस्पताल में भी बना के रखा है, अभी यहाँ पे और वृंदानगर दोनों जगह में भर्ती हैं लोग और अभी स्थिति ठीक दिख रही है सबकी। देखिए लोगों से किस तरह की अपील कर रहे हैं अभी आप? अभी हम सभी लोगों से यही कर रहे हैं कि कृपया उबला हुआ पानी पिए और पानी की व्यवस्था जो है वो नगर निगम ने वार्ड में टैंकरों के माध्यम से की हुई है, तो कृपया उसका पानी लें और उबाल के ही पानी पीना चाहिए। अभी सभी को गर्म खाना खाना चाहिए और यदि कभी भी उल्टी दस्त की शिकायत होती तुरंत पास के केंद्र में जाके अपने आपको दिखा के यदि भर्ती होने लायक होंगे तो तुरंत भर्ती करें। सर एक अंतिम सवाल, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कैंप क्षेत्र में जो लोग मिले हुए हैं क्या वजह मानते हैं? देखिए क्या होता है कि उल्टी दस्त जो है वो खान पान में कोई चीज़ चले जाने से ही होता है, तो अभी जो है वो इसकी हम जाँच करवा रहे हैं, नगर निगम ने इसकी पानी की भी जाँच करवाई हुई है और वर्तमान में हमें तो यह देखना है कि वर्तमान में जितने मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट सही समय पे हो और आगे जो है कोई प्रभावित इससे ज़्यादा ना रह पाए। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिकली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसपी केशरवानी ने डायरिया के लक्षण और बचाव को लेकर जानकारी दी। मैं डॉक्टर एसपी केशरवानी, एसआर हॉस्पिटल चिकली दुर्ग। जहाँ तक डायरिया उल्टी दस्त का सवाल है, डायरिया के लक्षण होते हैं पहले पेट में दर्द होगा, फिर मरोड़ आएगी, फिर लूज मोशन होंगे, पतले दस्त होंगे और फिर उल्टी होगी। यदि दिन में बहुत बार उल्टी दस्त हो रही है तो फिर ज़्यादा बार होने के बाद फिर डिहाइड्रेशन होता है, फिर सुस्ती होती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, पेशेंट शॉक में चल देता है और यदि उपचार सही ढंग से ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। सर डायरिया से बचाव सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है? डायरिया से बचाव के लिए पहली बात तो ये है कि हमें साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आसपास का वातावरण आपका स्वच्छ होना चाहिए, घर में पूरी साफ़ सफाई रहना चाहिए, ताज़ा और गर्म खाना खाएं, स्वच्छ जल का उपयोग करें पीने के लिए, हाथ की सफाई करें, शौच से आने के बाद हाथ को साबुन से धोएं एवं स्वच्छ कपड़े पहनें और आप हर समय हाथ धोते रहें तो इससे क्या है कि टट्टी उल्टी और डायरिया होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। बहरहाल नगर निगम की लापरवाही और उदासीनता से डायरिया का प्रकोप कैंप क्षेत्र में फैला, अब क्षेत्र में साफ सफाई के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यदि पूर्व से ही निगम का स्वास्थ्य अमला सजग रहता तो यह भयावह स्थिति निर्मित ही नहीं होती। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।